उत्तराखंड शासन ने 23 आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए थे, जिसमें जिला अधिकारी की सोनिका को उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त पदभार भी दिया गया है। जिसके बाद जिलाधिकारी सोनिका ने पदभार कार्यालय में विधिवत रूप से पद ग्रहण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता जनता की समस्याओं को दूर करने की है, चाहे वह नक्शे से संबंधित हो या किसी और समस्या से संबंधित हो। साथ ही उन्होंने कहा, अगर कहीं अवैध कार्य होगा तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। देहरादून से संवाददाता अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। अभी क्योंकि मैंने कार्यभार ग्रहण किया है, अभी आज हम लोगों ने रिव्यू भी रखा है, तो जो स्ट्रक्चर है, किस तरह से नक्शे पास होते हैं, पूरी डिटेल्स लेके फिर अकॉर्डिंगली जो भी हम जितना भी सुधार, जितना भी हम लोगों का असुविधा हो, वो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे।